नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल संध्या की रसोई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी के लिए हमने लिए है पनीर, ये टमाटर और प्याज काट रखे हैं, अदरक लहसुन को दरदरा कर लिया है और ये है पालक। आज हम बनाएंगे पालक पनीर। ये पालक को मैंने एक सीटी देकर उबाल लिया कढ़ाई में तेल डालकर, और पनीर को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसे निकाल लेंगे और फिर कढ़ाई गरम करेंगे। पनीर को फ्राई कर लेंगे, हल्का सुनहरा कर लेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। कढ़ाई में तेल डालेंगे और उसमें डालेंगे जीरा। जीरा जब चटक जाए इसमें डालेंगे तेज़पत्ता, उसके बाद इसमें डालेंगे जो अदरक लहसुन हमने दरदरा किया था वो अदरक लहसुन डालेंगे और उसे एक मिनट तक पकाएंगे, हल्का सा वो पक जाए। उसके बाद दोस्तों पालक पनीर तो बहुत ही टेस्टी लगता है, आप लोग बनाकर इसे ज़रूर ट्राई करिए। ये देखिए मैंने डाला इसे अदरक लहसुन जो दरदरा किया था, इसे एक मिनट तक पकाएंगे, हल्का सा ये सुनहरा होने लगे। फिर इसमें हम डालेंगे प्याज को, प्याज जो हमने काट रखे थे इसे डालकर, और प्याज को भी हल्का सुनहरा हो जाए उस तब तक इसको चलाते रहेंगे। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे मसाले। मसाले में मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और ये काली मिर्च पाउडर थोड़ी सी थी, थोड़े जीरे पाउडर और थोड़ी सी है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालेंगे, उसके बाद इसे हम चलाएंगे। इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी, पानी डालकर मसाले को अच्छे से पका लेंगे ताकि ये कच्चा ना रहे। मसाले में थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से पकाएंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे टमाटर, टमाटर डालेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे नमक। नमक मैं इसमें डाल रही हूँ, नमक मैंने ये एक चम्मच नमक डालें। इसके बाद इसे अच्छे से पकाएंगे, अच्छे से पकाएंगे और जब ये मसाले पक जाएं फिर हम जो पालक को उबाल कर पीस लिए थे उसका ये पेस्ट डालेंगे, पालक का पेस्ट डालकर, और इसे भी अच्छे से 2-3 मिनट तक पकाएंगे। मैंने इसे 3-4 मिनट तक पकाया है, हम इसे मीडियम फ्लेम पे 3 मिनट तक पकाएंगे। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे जो उबाले थे उसका पानी रखे थे, ये पानी डाल देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे, जब ये उबल जाए उसके बाद इसमें हम डालेंगे पनीर को, पनीर डालकर और इसे 2 मिनट ढककर पकाएंगे, क्योंकि मसाले तो पके ही हैं और ये उबला हुआ है तो इसे हम ढक देंगे और 2 मिनट तक पका। इसमें थोड़े से डालेंगे गरम मसाले, गरम मसाले डालेंगे और इसे हम ढक देंगे, ढककर इसे हम 2 मिनट पकाएंगे। 2 मिनट हो गया, अब देखिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए दोस्तों पालक पनीर बिल्कुल तैयार है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और एक बार इसे ट्राई जरूर करिएगा। अगला वीडियो मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। नमस्कार दोस्तों।